गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में बीते 5 दिसंबर को महिला की हत्या मामले में पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने मृतका के भांजे सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि प्रॉपर्टी के विवाद में ही महिला के भांजे ने अपनी मौसी की हत्या की है। दिनांक 5 दिसंबर की बात है, लगभग 1:30 बजे बिस्मिल्ला होटल के सामने एक महिला को अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मार दी थी। उस महिला की मृत्यु 2 दिन बाद अस्पताल में हो गई थी उपचार के दौरान। जब विवेचना की गई तो विवेचना में उसके सगे भतीजे का नाम प्रकाश में आया, इसकी बहन का लड़का था अरविंद वर्मा। इनके और इनकी मौसी का एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था, मकान को लेकर डिस्प्यूट था। ये इसकी मौसी जो मृतका है वो खाली कराना चाह रही थी मकान को, ये खाली नहीं करना चाह रहा था, उसी के संबंध में उसने मर्डर किया। दो लोग जो नाम आए हैं हरीश और रोहित का, हरीश ने कुछ पैसे दिए थे इंदिरा वर्मा को। इंदिरा वर्मा ने यह कहा था कि हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, 1 साल पहले पैसे दिए थे, 30,000 रुपए दिए थे, नौकरी लगी नहीं थी हरीश की। तो हरीश भी इंदिरा वर्मा से गुस्सा रहता था। साथ ही साथ जो कुणाल और प्रिंस है उसने मोटरसाइकिल सप्लाई की थी मर्डर के लिए। तो 4 लोगों के नाम प्रकाश में आए, 4 गिरफ्तारी की गई। हरीश की मौसी जो मृतका है इंदिरा वर्मा, इसने हरीश की शादी, हरीश की नहीं, अरविंद वर्मा की शादी करवाई थी। और इनके बीच में थोड़ा सास और बहू के बीच में थोड़ा मतभेद रहता था, जिसमें इंदिरा वर्मा इंटरफेयर करती थी। इस बात को लेकर भी अरविंद इनसे नाराज रहता था। प्लान ये लोग व्हाट्सएप कॉल करते थे। ये लोग, इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो जीरो है, कोई अपराध पहले किया नहीं है, लेकिन ये जानकारी इनको बहुत थी कि व्हाट्सएप कॉल ट्रेस नहीं होती है। तो पूरा रेकी की थी अरविंद वर्मा ने, पूरा बताया था कि मेरी मौसी वहाँ गई है और इसकी सगी माँ के साथ गई थी, तो जब गोली चली तो उसकी माँ को भी गोली लग सकती थी। इसने बड़ा रिस्क लिया है, जो मतलब दोनों बगल थी, साथ साथ जा रही थी। इसने रेकी की कि मेरी मौसी चचेरी बहन के यहाँ मकान देखने गई है, इस समय गई है, लौट कर आएगी तो उसको मार देना। तो मैंने मार दिया उसको। घटनाक्रम